देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मुंबई जितनी है अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है, उतनी ही मशहूर है अपने त्योहारों के लिए। जन्माष्टमी, नवरात्रि, गणेश उत्सव जैसे त्यौहार मुंबई वासियों को उनकी गंभीर, तनावपूर्ण और संघर्ष भरी जिंदगी में एक पावर ब्रेक का काम करती है। त्योहारे की ये धूमधाम छोटी छोटी खुशियाँ उन्हें कुछ वक्त के लिए तरोताज़ा कर देती है। वैसे तो गणेश उत्सव का त्यौहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुंबई में त्यौहार मनाने का तरीका बेहद ही रोमांचक और सुंदर है। चांदीवली महाड़ा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल इस वर्ष अपना 25वां साल मना रहा है, जिनका आगमन 2 सितंबर को हुआ। इस कार्यक्रम में खास बात यह है कि चांदीवली मंडल के लोगों का ये कहना है कि जैसे परेल के लालबाग के राजा की सुप्रसिद्धि है, उसी प्रकार चांदीवली के राजा की भी मराठी परंपरा से सुप्रसिद्धि हो। इस बार चांदीवली के महाराज का आगमन महाराष्ट्र की संस्कृति, मर्दानी खेल, 70 लोगों ने अलग अलग प्रकार के पाश्चात्य खेल संस्कृति को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। चांदीवली गणेश उत्सव में मुंबई के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार कुणाल पाटिल ने 17 फीट ऊंची आकर्षित मूर्ति का निर्माण किया। देश विदेश में प्रसिद्ध ढोल ताशों के साथ बप्पा का स्वागत महिलाओं ने महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी पहनकर लेजिम डांस करके आगमन किया। मुंबई के प्रसिद्ध डीजे म्यूजिक सोनू मोनू ने भी गणपति बप्पा का स्वागत किया।
शिवसेना के पूर्व नगर सेवक ईश्वर तायड़े, चांदीवली गणेश मंडल के अध्यक्ष रविंद्र नेवरकर जी ने चांदीवली के गणपति की बारे में हम बात करते हैं। हमारा ये जो शाही आगमन है और पहली बार ऐसा हम लोग मना रहे हैं, ये साल 25वां है, 25वां साल है हमारा गणपति मंडल का। रौप्य महोत्सव की वजह से हम लोग ने इस बार एक बड़ा ओकेजन, एक इवेंट किया है, तो इस हिसाब से हम लोग ने ये साल बहुत सारे लोगों ने शामिल होकर यह मना रहे हैं अभी आज का आगमन। ये साल हम लोग ने जो महाराष्ट्र की पारंपरिक जो सांस्कृतिक और फैमिली का जो रहता है वो मर्दानी खेल करके बोलते हैं उसको, वो खास करके हम लोग ने यहाँ से कोल्हापुर से आए हैं लोग और शिवकालीन उसको तुतारी वादक ऐसा बोलते हैं उसको, और उनका इतना बहुत बढ़िया खेल वहाँ मना रहे हैं, वो बता रहे दिखा रहे, क्योंकि अभी तक ये उपनगर में ऐसा कहीं हुआ नहीं। और ये जो मर्दानी खेल जो है और यानी पुराण में जो होता था शिवकालीन में वो है ये, और सबको अच्छा लग रहा है वो देखने के लिए। वो लेजेंड का भी एक महाराष्ट्र का जो संस्कृति है उनका ही एक पार्ट है, और जो ये मर्दानी खेल करे वैसे ही वो लोग अपने लेजिम का खेल खेल रहे, और यहाँ हमारे माड़ा कॉलोनी की जो महिलाएं है वो भी उसमें शामिल हुई है। पूरे मुंबई शहर में एक अनोखा अलग आगमन है, जैसा कि हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है, शिवकालीन परंपरा है, उस तरीके से जो आज के जो पीढ़ी है जो भूली जा रही है उनको याद दिलाने के लिए जो महाराष्ट्र की पारंपरिक परंपरा है उनको हमने याद हो रहा है, और उसी के जरिए हमने आज बापा का आगमन सोहरा आयोजित किया है। महाराष्ट्र की शिरडी साई बाबा को 100 साल पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में यह एक प्रति शिरडी हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ जो लोग शिरडी को नहीं जा सकते वो यहाँ आके शिरडी बाबा का, हमारे जो महाराष्ट्र की बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है उसकी परंपरा है, उनका दर्शन लेने के, या जो भाविक आएंगे उनके लिए हमने ये सब बनाया है। दान पट्टा, लिझिम, तलवार, भाला फेंक, जो शिवकालीन परंपरा के हमारे पूर्वजों की कला है वो हमने आने वाली पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है उनको ये पता ही नहीं है, और इसलिए आप भी देख रहे हैं कितनी भीड़ वो देखने के लिए है, लोग ढोल ताशा नहीं देख रहे लेकिन वो परंपरा देख रहे, यानी आज भी हमारे परंपराओं के प्रति लोगों को आकर्षण है, ये साबित होता है। इस कार्यक्रम में 8 से 10 हजार लोग उपस्थित हुए। कैमरा पर्सन आनंद मगरे के साथ गीता यादव, मेट्रो मुंबई।